हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम टू द वीडियो। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं जो है एक ग्लास के जार में जो है मैं पेंट करने वाला हूँ, ठीक है। पूरा पेंटिंग करने वाला हूँ ग्लास के जार में, और ये जो है ट्यूटोरियल वीडियो होने वाला है, ठीक है। एक ब्यूटीफुल से पेंटिंग होने वाला है, और पहले जो आपको पहले स्टेप में जो करना है वो है फेब्रिक कलर जो होता है वाइट वाला, और मैं यहाँ पर जो है फेब्रिक कलर, वाइट फेब्रिक कलर ले लिया हूँ, और एक ब्रश ले लिया हूँ फ्लैट ब्रश। उससे पहले जो है इस वाले ग्लास को पूरा मैं वाइट कर दूंगा, और आपके पास जेसो है तो जेसो पे से भी कर सकते हो आप। पहले जो है मैं यहाँ पर पूरे ग्लास को जो वाइट करता हूँ, आप देखते रहो, एकदम स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा कि कैसे आपको ये करना है। और ये जो है आपके लिए जो है वास बन सकता है, और पेन स्टैंड बन सकता है, ठीक है, ठीक है, पेंसिल स्टैंड, ठीक है, पेंसिल के रखने के लिए, आपके ड्राइंग्स पेंसिल को रखने के लिए, मैं तो उसके लिए बना रहा हूँ। और इसको देखते रहो, ये पूरा ट्यूटोरियल वीडियो होने वाला है, ठीक है। और मेरा जो है पहले टाइम मैं बना रहा हूँ, फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है ये मेरा, ठीक है। तो देखते रहो वीडियो को। व्हाइट कलर हो जाने के बाद यहाँ पर जो है आपको सुखा लेना पड़ेगा इस बारे जार को। उसके बाद जो है यहाँ पर मैं जो है आपके मनपसंद कुछ कलर आप यूज़ कर सकते हो इसमें। मैं यहाँ पर जो है यहाँ पर स्पॉन्ज यूज़ कर रहा हूँ, जिससे ये जो है कलर होगा। और मैं यहाँ पर कलर जो यूज़ कर रहा हूँ ये है स्काई ब्लू कलर, थोड़ा डार्क है इसलिए मैं इसको लाइट कर लूँगा, क्योंकि मुझे लाइट कलर पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं इसको ले लेता हूँ हमारे एक्रेलिक पैलेट में, और उसके बाद इसके ऊपर जो है मैं यहाँ पर जो है एक वाइट कलर दूंगा, ठीक है। वाइट कलर से मिक्सचर करूँगा, मिक्स करूँगा, जिससे कि ये जो है जो वो बहुत ही ज़्यादा लाइट एक स्काई ब्लू कलर आ जाएगा, ठीक है। लाइट एकदम एक स्काई ब्लू कलर आ जाएगा, जैसे कि देख सकते हो, एकदम एकदम स्वीट एक कलर आ रहा है यार, बहुत ही ग्रेट, एक बहुत ही अच्छा एक कलर आ रहा है। और कैसे आपको इस वाले कलरिंग को करना है देख सकते हो, यहाँ पर मैं जो है स्पॉन्ज में लगाने रहा हूँ, ठीक है, कलर को। और इसको जो है टैप टैप करते जो है फुल इसको जो फिल कर लेना है, जिससे कि कलरिंग बहुत ही बढ़िया बनेगा आपका। यहाँ पर जो है देख सकते हो कलर पूरा कंप्लीट हो चुका है, कुछ इस टाइप का लग रहा है बेहतरीन सा। उसके बाद जो है कलर को जो है सुखा लेना पड़ेगा पूरा अच्छे तरीके से, कितना अच्छा लग रहा है यार, देख सकते हो। उसके बाद जो है क्या क्या कलर लगेगा, क्या क्या डिज़ाइन करोगे वो आपके ऊपर रहता है, ठीक है। यहाँ पर मैं रेड, वाइट और ग्रीन कलर को यूज़ कर रहा हूँ, लाइट ग्रीन कलर को, क्योंकि मैं यहाँ पर जो है वाटरमेलन बनाऊँगा। और यहाँ पर मैं एक जो है स्मॉल साइज ब्रश ले रहा हूँ, ठीक है, जो कि है वन साइज़ का ब्रश, ठीक है, वन साइज़ का ब्रश है। और यहाँ पर लिखा नहीं है ना, लिखा जो है वो ढक गया है थोड़ा, इसलिए मैं वन या टू होगा ये, ठीक है। यहाँ पर जो लिखा था वहाँ पर वो ढक गया है ब्रश का, वन या टू ब्रश मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं जो कलर को पहले जो है मैंने पैलेट में ले रहा हूँ, ठीक है। तो अभी इससे जो है मैं यहाँ पर इस तीन कलर को ले रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पर जो है मैं इस वाले वाटर मिलन को जो है ड्रॉ करूँगा। यहाँ पर देख सकते हो मैं वाटर मिलन ड्रॉ कर रहा हूँ, कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ना ये वाला इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्यूट सा लगता है, बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। तो ऐसे फील कर लेना है आपको इसमें डिज़ाइन, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं कैसे डिज़ाइन कर रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हो वाटरमेलन मैंने ड्रॉ कर लिया ना है। तो यहाँ पर जो है आपको जो है अभी वाटरमेलन में जो है डिटेल्स ऐड करना है। मैं यहाँ पर डिटेल्स ऐड कर रहा हूँ, जो उसके जो बीज होते हैं ना उसको मैं ऐड कर रहा हूँ ब्लैक ब्लैक सा। और उसके बाद मैं जो इसमें जो है ब्लैक बॉर्डर्स भी लूँगा, क्योंकि ब्लैक बॉर्डर मस्ट है एक हाईलाइट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लैक जो है बॉर्डर दूंगा, जिससे कि हमारा जो ये वाला ड्रॉइंग है बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर गाइस हमारा डिज़ाइन पूरा कंप्लीट हो चुका है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो अभी जो है मैं यहाँ पर जो है वार्निश देते जाऊँ, ठीक है, वार्निश का एक कोट दूंगा इसमें। सो गाइस, फाइनली हमारा जो जार है ये कितना अच्छा बना यार, कितना सुंदर लग रहा है, एकदम ग्लॉसी ग्लॉसी फिनिश में। और यहाँ पर देख सकते हो जो वर्निश मैंने यूज़ किया था ना वो थोड़ा ख़राब, और जो वो जो थोड़ा ड्राई हो चुका था, इसलिए जो है यहाँ पर जो है येलो येलो थोड़ा गंदा गंदा इफेक्ट आया, इसलिए मेरा जो मूड है वो थोड़ा अपसेट हो गया था इसको देख कर कि कैसा इफेक्ट आ गया यार। मतलब आप अगर यूज़ कर रहे हो ना थोड़ा ध्यान से यूज़ करना, और आज के वीडियो में कुछ ऐसा ही था, और ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है मुझे। तो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो को लाइक कर देना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।